फ्रेंड्स, अगर मैं चाहता तो वीडियो को मैं छोटा भी बना सकता था। लंबा होने का कारण जानने के लिए आप लोग को वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। ओ, बच गया। सब साइड 70। हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं विजयनगर के आश्रित ग्राम टेढ़ा से मैं आया हुआ हूँ और अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं और हम लोग यहाँ दोपहर 2 बजे पहुँचे थे और हम लोग यहाँ से अभी पैदल जा रहे हैं और पैदल ही आए थे। तो चलिए मैं आप लोगों को रास्ता भी दिखाऊंगा और अभी आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं कितना धुआं है। तो वीडियो को पूरा देखते रहिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से अभी और देख सकते हैं सामने कितना धुआं धुआं है, बहुत ज़्यादा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बड़ा परेशानी में हैं हम लोग, अभी आग के फंस गए हैं और जैसे ही आए हैं बारिश भी शुरू हो गया है। हम लोग सुबेरे 9 बजे से निकले थे आने के लिए, लेकिन रास्ता ख़राब होने के कारण यहाँ मैं आप लोग को रास्ता का जो वीडियो बनाया हुआ हूँ, जब मैं आ रहा था तो वो वाला वीडियो भी मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो जहरीला जंगल नहीं है, नहीं तो यहाँ कहाँ से जा पाता। पत्ता भी छूना मुश्किल हो जाता है, पत्ता छूना भी मुश्किल हो जाता है हम लोग के लिए। तो फ्रेंड्स, ये वही वीडियो है। तो रास्ता का कंडीशन ऐसा है और पानी अभी कंटिन्यू डेली गिर रहा है, इसके वजह से हम लोगों को बाइक में आने में परेशानी हुआ। तो हम लोग सोचे कि पैदल ही आते हैं। तो हम लोग सलका पंचायत तरफ से पैदल निकले थे आने के लिए और वहाँ से हम लोग पैदल चलते चलते 9 बजे से चलते चलते 2 बजे हम लोग यहाँ टेढ़ा से मेरे में पहुँचे और पहली बार चढ़े ऐसा पहाड़, पहले नहीं चढ़े थे। तो हम लोग अभी यहाँ से अपना काम ख़त्म करके निकल रहे हैं। तो चलिए वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। फ्रेंड्स, देखिए हम लोग निकल चुके हैं अभी और ये देखिए इधर नाला है, शायद पता नहीं कितना बड़ा नाला है, चलिए जाके देखते हैं। ये देख सकते हैं नीचे में नाला है। और फ्रेंड्स, उन लोग जितना फास्ट चलते हैं उनके जैसे हम लोग नहीं चल पाते हैं और हमारे सर भी आ रहे हैं पीछे पीछे और मैं बीच में हूँ, इन लोग पहले चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, और मेरे ख्याल से भी हम लोग को यही वाला जो नाला है इसको पार करना पड़ेगा। ये देखिए हम लोग को अभी इसी को पार करना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को देखते रहिएगा। ये देख सकते हैं देखिए ऊपर से पानी आ रहे हैं, हम लोग ऊपर से आए। तो चलिए ये देखिए कैसा रास्ता है। केला, फ्रेंड्स यहाँ पे केला भी लगा हुआ है जिसमें फल आ गया है।
तो फ्रेंड्स चलिए मैं आप लोगों से आगे चल के मिलता हूँ, देखते रहिएगा वीडियो को। फ्रेंड्स अब यहाँ से ढलान शुरू हो रहा है, देख रहे हैं घना घोर धुआं छाया हुआ है इधर भी। फ्रेंड्स अभी हम लोग पहाड़ का मतलब समझिए जितना उतर रहे हैं उस थोड़ा सा ही उतरे हैं, और इन लोग हम लोग को छतरी भी दे दिए हैं, देख सकते हैं फटा भी है लेकिन काम चल जा रहा है फ्रेंड्स। और हमारे सर दूर में है, नहीं चल पा रहे हैं, सर आ रहे हैं धीरे धीरे और हम लोग चलते जा रहे हैं, तो चलिए आगे चलते हैं। फ्रेंड्स अभी जो चल रहे हैं हम लोग यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही ढलान है, और एकदम ज़्यादा तो नहीं है पर है, और जो मैं हम मतलब मैं हूँ, सर हैं और दो कुरवा लोग हैं, हमारे दोस्त बन गए हैं उन लोग, तो उन लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं कि हमें ये रास्ता पता नहीं था, और उन लोग ही अभी हम लोग को बताया कि आप लोग इसी में जाइए तो फिर जल्दी उतर सकते हैं जंगल को। तो फ्रेंड्स हम लोग अभी उतर रहे हैं, तो चलिए वीडियो को देखते रहिएगा। नहीं आए थे इसमें। फ्रेंड्स आप लोग को नदी का आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, पानी बह रहा है बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं नीचे में नदी है, और हम लोग अभी इसी को पार करने वाले हैं, पार करके ही जाना पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये देख सकते हैं नदी, पानी इधर से नीचे की तरफ बह रहा है आगे की तरफ। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं ये नदी ज़्यादा तो नहीं भरा है पर भरा है, और हम लोग अभी इसी को पार करने वाले हैं। इधर देख सकते हैं इधर से भी आ रहा है पानी और इधर से भी, और मैं अपना पैंट मोड़ लिया हूँ ऊपर। फ्रेंड्स अभी मैं पानी में उतर गया हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ, और हमारा पैंट भी गीला हो रहा है। कोई बात नहीं, पैंट तो सूख जाएगा। बच गया। और अभी सर बाकी हैं, अभी ये देख सकते हैं मेरा पूरा आधा पैंट भीग गया। फ्रेंड्स नदी में बहुत ज़्यादा पानी आने का कारण आप लोग देख सकते हैं सामने, उधर से भी आ रहा है पानी इधर से भी, और अगल बगल से सब तरफ से नीचे मिलता है नदी में पानी, तब जाके नदी का पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है बहुत तेज। तो चलिए फ्रेंड्स सब लोग नदी पार चुके हैं, कर चुके हैं, तो चलिए आगे चलते हैं। चलो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं ये जगह कैसा है आप लोग, थोड़ा सा हम लोग के लिए तो डरावना जगह ही है। फ्रेंड्स नीचे की तरफ से हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं, हमारा बाइक जहाँ पे छूटा है वहाँ से और आ रहे हैं। इन लोग PDS गए हुए थे अपना राशन लेने, तो इन लोग राशन पकड़ के आ रहे हैं, देख सकते हैं इन लोग पकड़े हैं राशन पीछे, और ये नहीं पकड़ा है। अरे तो फ्रेंड्स हम लोग अभी थोड़ा सा चढ़ाई चढ़ रहे थे, और
हमारा सांस भी भर गया है, थक गए हैं, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। तो चलिए चलते रहते हैं, नहीं रुकेंगे धीरे धीरे। फ्रेंड्स इधर भी गड्ढा है और इधर भी गड्ढा है, और हम लोग बीच से ऐसे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो देखते रहिएगा। फ्रेंड्स ये देख सकते हैं यहाँ का एकदम सीधा सीधा और क्लियर भी दिखाई दे रहा है कि किस टाइप से है। पूरा पत्थर पत्थर है और पूरा पत्थर में काई जमा हुआ है जो कि पैर रखने से फिसलता है, लेकिन नहीं फिसल रहा है अभी तो, भगवान करे फिसले ही मत। आराम से हम लोग नीचे उतर जाएं। फ्रेंड्स मेरा तो पैर कांपने लग रहा है अभी, कांप रहा है, और इतना बारिश हो रहा है फिर भी बहुत तेज पसीना आ रहा है मेरे को, थकान की वजह से भी है। चल चल फ्रेंड्स, अभी हम लोग नीचे उतरे हैं और पता नहीं कितना दूर और बाकी है, पता नहीं है। तो अभी देख सकते हैं हम लोग को थोड़ा सा ढलान मिला है, इसमें हम लोग के पैर को भी थोड़ा राहत मिल रहा है, लेकिन देखने में लग रहा है कि आगे फिर एक नदी है, उसको भी पार करना है। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं, और यहाँ से ये भी रास्ता है ना। हाँ फ्रेंड्स, हम लोग अभी यहाँ पहुँचे हैं, इसी रास्ते से हम लोग आगे बढ़े थे, और हम लोग को अभी इधर जाना है, और अभी हम लोग इधर से आए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अभी उन लोग जा रहे हैं वापस, यहाँ से हम लोग चले जाएंगे। तो चलिए नहीं रुकेंगे, आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। क्या ला रहे हैं? नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अरे और भाई कहाँ जा रहे हो यार? तो फ्रेंड्स हम लोग अभी नदी के किनारे पहुंच रहे हैं, तो चलिए वीडियो देखते रहिए। फ्रेंड्स मैं इसी नदी के बारे में बात कर रहा था, ये देख सकते हैं, और इसमें पानी भी बहुत तेज आ रहा है, और जब हम लोग आ रहे थे उस टाइम भी पानी था इसमें, लेकिन कम था, और अभी बहुत तेज हो गया है पानी। तो चलिए हम लोग को अभी इसको पार करना पड़ेगा। ये देख सकते हैं नदी इधर से, ये इधर भी। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग नदी पार करते हैं। बच गया फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरे को अभी यहाँ से पार होना पड़ेगा। हो गया हो गया हो गया। तो फ्रेंड्स चलिए, हम लोगों ने इस नदी को पार कर लिया है, तो चलिए चलते हैं हम लोग, और मैं आप लोग, और हम लोग अभी नीचे उतर गए हैं, उतर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा और बाकी है। फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप लोग, और ये है नाला, और उधर बाजू में बड़ा सा नदी, और हम लोग अभी पैदल चलते चलते जा रहे हैं सर के साथ, और फुल थक गए हैं हम लोग अभी। और आज का जो धुआं है जंगल में देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम लोग अभी इतना बड़ा पहाड़ को उतर के आए हैं, हम लोग को कितना थकान हो रहा होगा,
तो चलिए चलते हैं, मिलता हूँ आगे। फ्रेंड्स से हम लोग अभी ये छोटा सा नहर है, इसके किनारे किनारे चल रहे हैं। और छोटा सा नहीं, बहुत बड़ा नहर है। और इतना चीज है कहाँ मछली को रखते हैं, कहाँ से आवाज कर रहे हैं? बंदर है। बंदर होगा, बंदर। अभी तो दिखेगा नहीं, नहीं तो दिखा देता। और ये छोटा सा पुल बना है पार करने के लिए, तो चलिए पार करते हैं। अभी हमारा बाइक जहाँ पे छूटा है वहीं पे मिलेंगे। ये देखिए, पहाड़ के पहाड़ से लगा हुआ एक घर बना है, और पहाड़ का कंडीशन अभी पूरा कोहरा छाया हुआ है इधर भी। तो फ्रेंड्स, ये पहाड़ देख सकते हैं सामने, और कोहरा भी बहुत ज़्यादा छाया हुआ है। और यहाँ से हम लोग अभी बस्ती पहुँचने वाले हैं, तो हम लोग जा रहे हैं अभी बस्ती की तरफ जहाँ पे हमारा बाइक छूटा है। हे फ्रेंड्स, फाइनली मैं अपने घर पहुंच रहा हूं। अभी कुछ दूरी पे है मेरा घर। तो फ्रेंड्स, वीडियो आप लोग को कैसा लगा मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही रहेगा, क्योंकि गांव में लाइट भी नहीं है, इसीलिए मैं घर पे जाके शूटिंग नहीं कर रहा हूँ। तो चलिए, नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपसे जल्दी मिलूंगा। बाय बाय फ्रेंड्स।